स्कूल ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स. आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत हेल्दी केक की रेसिपी. इट्स अ होल व्हीट केक, बहुत ही टेस्टी केक है. दिस इज द एप्पल सिनेमन केक. तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. सो एप्पल सिनेमन केक बनाने के लिए हमें चाहिए होल व्हीट यानी गेहूं का आटा. यहाँ पे मेरे पास है 1 कप हीप्ड गेहूं का आटा. उसके साथ यहाँ पर मेरे पास है 1 कप ऑफ ग्रेटेड एप्पल्स. जी हाँ, ये एप्पल को पील करके एंड मैंने ग्रेट करके रख लिया. एंड इसको थोड़ा सा पहले ग्रेट कर दें क्योंकि वी वांटेड टू गेट अ लिटिल मुशी. एंड इसमें थोड़ा सा लेमन जूस एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर को अच्छे से मिला के आई हैव पुट इट असाइड. उसके साथ चाहिए 1/2 कप ऑफ मिल्क, 3/4 कप ऑफ शुगर. आई यूज द ग्रैनुलेटेड शुगर. 1/4 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, कोई भी आप यूज कर ले विच इज नॉन फ्लेवर्ड. अबाउट 1/4 कप ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स. देन वी हैव 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस. लाइक द नेम सजेस्ट, इट्स अ सिनेमन केक. 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अदर देन दैट, यहाँ पे मेरे पास है 2 मीडियम साइज्ड एप्पल्स जिनको बिना पील किए हुए मैंने इस तरह से पतला स्लाइस कर लिया. एंड अगेन आई हैव कोटेड इट विद 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर एंड पुट इट असाइड. उसके अलावा थोड़ा सा ये दूध एक्स्ट्रा है विच आई यूज ओनली इफ नीडेड टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी. सो बिफोर आई स्टार्टेड द होल प्रोसेस व्हाट आई डिड वाज दैट आई हैव प्री हीटेड माय ओवन टू 180 डिग्रीज ऑन बेक मोड ओनली. एंड देन ये जो हमारी बेकिंग डिश है इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड द बेस. उसके बाद आई जस्ट पुट अ पीस ऑफ द पार्चमेंट पेपर इनसाइड जस्ट फॉर द ईज ऑफ टेकिंग आउट द केक. आप इसको पेस्ट को फ्लावर भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू. इट्स जस्ट शुड बी ईजी टू टेक द केक आउट. एंड देन अगेन वील जस्ट ऑयल इट अ लिटिल अबव द पार्चमेंट पेपर ऑल्सो. सो नाउ दैट आर बेकिंग डिश इज रेडी, क्योंकि इस केक को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वील क्विकली स्टार्ट. सबसे पहले जो ग्रैनुलेटेड शुगर है उसको हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ डाल देंगे सो दैट बाय द टाइम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो शुगर हमारी थोड़ी सी काइंड ऑफ मेल्ट हो जाए, उसमें डिसॉल्व हो जाए. एंड वील गिव इट अ क्विक मिक्स एंड देन वील कीप इट असाइड. और ये जो शुगर वाला मिक्सचर है इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अपने जो हमारे ग्रेटेड एंड सिनेमन कोटेड एप्पल्स. बहुत अच्छा फ्लेवर इस केक का आता है फ्रेंड्स, अ वेरी नाइस फ्लेवर ऑफ द सिनेमन एंड दीज एप्पल्स ऑल्सो. सो ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए रेडी. नाउ व्हाट आई डू इज आई एम सॉरी, इसमें हम वेनिला एसेंस भी डाल देंगे. सो ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स आर इन टूगेदर एंड देन टू द व्हीट वी एड द बोथ द बेकिंग सोडा एंड द बेकिंग पाउडर एंड देन द पिंच ऑफ सॉल्ट जो हमारा है and along with that the cinnamon. Cinnamon इसमें खूब यूज होता है, एप्पल में भी, ग्रेटेड एप्पल में भी. इसको अब हम इस स्टेज पे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा ये एक होमोजेनस काइंड ऑफ अ मिक्सचर बन जाए. एंड इसमें आई पुट इन द चॉप्ड वॉलनट्स. इसको मैंने ब्रिस्कली मिक्स कर दिया. ओवन हमारा प्री हीटेड होना चाहिए, बेकिंग डिश हमारी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि इस केक के मिक्सचर को सेटअप करने में वी डोंट टेक लॉन्ग एट ऑल. अगर आपका सब कटिंग हुई हुई है, एवरीथिंग इज रेडी. ये हमारा जो वेट मिक्सचर है ये हो गया. इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड देन ग्रेजुअली वील एड इन द ड्राई मिक्सचर, ऑल ऑफ इट टूगेदर एंड जेंटली वील काइंड ऑफ फोल्ड इन फ्रॉम द साइड सो दैट वी डोंट वॉन्ट आवर फ्लावर टू काइंड ऑफ यू नो हमारा इधर उधर उड़े नहीं फ्लावर. एंड देन इसको हम ग्रेजुअली इस तरह से मिक्स कर देंगे. इस केक का जो बैटर होता है ये बहुत रनी नहीं होता है, सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी. प्रॉबेबली वी डोंट नीड टू ऐड एनी मिल्क, मे बी जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ मिल्क, दैट्स अबाउट इट. मिल्क की आप अपनी आई जजमेंट से देख लें कि कंसिस्टेंसी आपकी कैसी है, वेदर यू वॉन्ट इट अ लिटिल थिनर मतलब इसको. लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, इसका बैटर हमेशा थोड़ा थिक ही रहता है. ये अब हमारा मिक्स हो गया. इसमें ऑलरेडी इतनी प्यारी सी एक सिनेमन की खुशबू आने लग जाती है ये अच्छे से मिक्स करके, ताकि हमारा कोई ड्राई व्हीट फ्लावर साइड में लगा नहीं रह जाए. दैट्स इट. नाउ व्हाट वी डू इज कि ये जो हमारा प्री प्रिपेयर्ड बेकिंग डिश जो है उसमें हमने इसको डाल दिया इस तरह से
एंड इससे हम लोग ने इसको थोड़ा सा टिल द एजेस पूरा स्प्रेड कर दिया, काइंड ऑफ स्मूदन द टॉप, दैट्स इट। ये स्मूथ करने से क्या होता है कि एयर बबल्स भी अगर कोई अंदर रह गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ख़त्म हो जाते हैं। ये करके अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे सिनेमन एंड लेमन में कोटेड एप्पल स्लाइसेस हैं, इनको हमने उठा के ये केक के बैटर में इस तरह से हल्का सा हम इसको एम्बेड करते जाएंगे, वेरी स्लाइटली, मोस्ट ऑफ इट इज आउट बट वी जस्ट वॉन्ट टू एम्बेड इट अ लिटल। एंड इस तरह से देन अनदर रो। तो ये हमारा जो केक बैटर है ये हो गया सेट। नाउ इट इज रेडी टू गो इनटू द अवन। अवन जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने प्री हीट कर दिया है टू 180 डिग्रीज। आई विल जस्ट पुट इट इन द अवन। इट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 40 टू 55 मिनट्स, इट डिपेंड्स। सो 40 टू 55 मिनट्स के बाद आई विल शो यू व्हाट दिस केक लुक्स लाइक। अवन इज प्री हीटेड, द रैक इज इन द सेंटर ऑफ द अवन, इन गोज माई बेकिंग डिश टूवर्ड्स द सेंटर अगेन एट 180 एंड ये हमने कर दिया बंद। सो आई विल सी यू इन about 40 minutes to check and then tell you what time it takes to bake it. So now friends, by the time the cake is baking, it's time for the tip of the day. So friends, जैसा आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। आज का जो मेरा टिप है ना, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो यू नो, जो किचन वेस्ट हमारी होती है, इट्स अ वेरी सिंपल टिप विच आई प्रैक्टिस पर्सनली एंड आई एडवाइज ऑल ऑफ अस टू प्रैक्टिस, दैट इज द डिस्पोजल ऑफ द किचन वेस्ट। तो जो किचन वेस्ट हमारी होती है, जिसमें जो ग्रीन्स होते हैं, द पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स या जो एग के शेल्स होते हैं, इस तरह की चीजों को हमें अपने नॉर्मल वेस्ट में नहीं डाल देना चाहिए। अगर इफ यू लिव इन अ हाउस वेयर यू हैव योर फ्रंट यार्ड और द बैक यार्ड, वहां पे आप 2 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट का एक बस गड्ढा कर दें मिट्टी में एंड देन यू कीप पुटिंग योर किचन वेस्ट इन दैट अलोंग विद ऑल द लीव्स और द ट्विग्स और द ग्रास दैट इज कट इन द गार्डन। डू नॉट थ्रो इट आउट इन द जनरल गार्बेज। वो सब आप इसमें डालते जाए एंड बिलीव मी, विद इन 2 to 3 months आपकी बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है टू पुट इन द प्लांट्स। इवन इफ यू स्टे इन एन अपार्टमेंट एंड यू हैव अ स्मॉल टेरेस गार्डन, तो आप क्या करें कि एक बड़ा गमला ले लें, अबाउट 12 इंचेस डाया वाला गमला, एंड नीचे एक लेयर सॉइल की पहले डाल दो अबाउट 2-3 इंचेस थिक एंड देन कंटिन्यू विद द प्रोसेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर फॉर अ पिट इन द सॉइल। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी मीट या मिल्क या ऑयल प्रोडक्ट्स मत डालें, अदरवाइज इट विल स्टार्ट स्मेलिंग बैड एंड दैट डजंट वर्क देन। दिस इज ओनली फॉर द फ्रेश ग्रीन पेस्ट, आपके बनाना पील्स हैं, एप्पल के छिलके हैं या फिर एग शेल्स। सो दैट्स द टिप ऑफ द डे। दिस इज एन इको फ्रेंडली मेथड टू डिस्पोज ऑफ योर किचन वेस्ट। आई सी यू इन अ व्हाइल टू शो यू व्हाट माय एप्पल सिनेमन होल व्हीट केक लुक्स लाइक। टिल देन बाय बाय। सो फ्रेंड्स, दिस इज द अमेजिंग एप्पल सिनेमन होल व्हीट केक। इसको मैंने 40 मिनट्स पे एक बार टूथपिक टेस्ट किया था, इट वॉज स्टिल नॉट येट डन, सो आई बेक्ड इट फॉर अबाउट 8 मिनट्स मोर एंड देन आई हैव टेकन इट आउट एंड पुट इट ऑन अ ट्रे। इसको गरम आप मत काटे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, बट गरम काटोगे आप अगर ये तो क्रम्बल हो जाएगा। सो जस्ट लीव इट लाइक दिस फॉर एट लीस्ट 20 मिनट्स विद इन दिस डिश ऑन एन आयरन रैक। आफ्टर 20 मिनट्स जेंटली टेक इट आउट एंड देन यू कैन कट एंड सर्व इट। इसको आप फ्रिज में रख दें तो ये 4-5 दिन भी इसको कुछ नहीं होता। व्हेनेवर यू वांट टू हैव अ पीस, जस्ट कट इट एंड माइक्रोवेव इट फॉर मे बी 30 seconds टू हैव दैट स्टीमिंग हॉट केक विद अ हॉट कप ऑफ टी और कॉफी। सो वाजंट दैट एन इजी एंड सिंपल रेसिपी फ्रेंड्स? With that, we come to the end of today's episode. I'll see you next Saturday at 7 p.m. again with a very simple instant recipe. Till then, enjoy!